मंच के विराजमान ऋषि गांव के प्रतिष्ठित श्रीमान जगदानंद जी, इस मंच पर विराजमान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इस जिले के कार्यवाह श्रीमान जगदेश्वर जी, मंच पर विराजमान इसी प्रखंड के खंड कार्यवाह श्रीमान सर्वेश्वर जी, और इस गांव में वर्षों से विपरीत परिस्थितियों में भी संघ का काम कर रहे हमारे ऐसे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित भी है। काफी मेहनत किया है इन्होंने इस कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए, इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे हमारे नवीन जी, सुशील जी, मुकेश जी, श्रीकांत जी, शशिकांत जी, राजाराम जी, रविशंकर जी, परमानंद जी, सुधीर जी, दीपक जी, रत्नेश जी, ललन जी, नितिन जी, दयानंद जी, और जिनका भी नाम सुध रहा है, उन सबसे माफी मांगते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस गाँव के श्रेष्ठ सनातन धर्मी, इस धरती से, इस भूमि से प्यार करने वाले हमारे भाई और हमारी माता बहन भगनी मित्रों, आज वर्ष का पहला दिन है। ये कितने लोगों को मालूम है? हमारी माता बहन को मालूम है, उस लड़कियों को मालूम है, जो 1 जनवरी मालूम रहता है। 10 दिन पहले से ये लोग 1 जनवरी के सुखनी बने हुए, 1 जनवरी के शुभकामना कर रहे दोस्तों के। हम दूसरे का नकल कर रहे हैं, वो हमारा धर्म नहीं है, वो हमारा वर्ष नहीं है। हम पूजा पाठ भी करते हैं तो पंडित के पास जाते हैं मुहूर्त निकलवाने के लिए। हम कोई मुंडन करेंगे घर के तो पंडित के पास जाएंगे। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हम अपने तिथि को, अपने वर्ष को, अपने संस्कार को, अपने संस्कृति को हम विस्मृत कर दिए हैं, भूल गए हैं। आवाज भर सकता है तो रहेंगे। मित्रों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आवाज भर गई है, जिनकी शाखा आपके गांव में लगती है, सुबह सुबह देखते हुए कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ वहां जा रहे हैं, कभी शक आकर के गुलाम बनाता है,
सिंदूर लिखा, हमारे लाखों लाख भारत माँ की संतान को बलि चढ़ा दिया, फांसी पर लटका दिया, बंदूक से मार दिया। फिर भी इस देश के लोग जगते नहीं थे। कुछ लोग जग जाते थे, उनको अंग्रेज मार देता था। कुछ लोग मुगल का सामना किए, उनको मार दिया जाता था। लेकिन सामान्य जनता, पूरे देश का नागरिक को कोई मतलब नहीं था। आज भी नहीं मतलब है। हम इस दीवार बाबा के यहाँ तो पूजा करते हैं तो पूरे गांव के लोग आ जाते हैं, लेकिन हम सनातन धर्मी है, हमारा ये कर्म है, हमारी ये आस्था स्थित है, इस पर कोई उठाना घर करेगा तो हमारे शरीर में खून लगकर गिरता होगा। ऐसा चिंतन करने वाला समाज में आज भी लोग नहीं है। इसलिए डॉक्टर साहब ने सोचा इस देश का जो मूल बीमारी है, देश जो बार बार बीमार होता है। अब डॉक्टर मोहम्मद गोरी के बारे में इन्होंने अभी चर्चा किया, तो गुजरात के वहां के बारे में सोमनाथ का मंदिर, भगवान सोमनाथ महादेव का मंदिर जो गुजरात में है, समुद्र के किनारे है। सोमनाथ के मंदिर को केवल 9 आचरण कराया, 9 आदमी निवेश कराया, मुंडा लाया। जो आप अभी सुनाम वाले काम करते हैं, मुसलमान काम करते हैं, तलवार खर्चा लेकर के आया। और सोमनाथ ने हजारों पुजारी थे, हजारों, इतना विशाल मंदिर, इतना विस्तृत एरिया में उनका परिसर था, और हजारों पुजारी थे वहां। केवल झाल करता और थप्पड़ लपड़ से मारता तो नौ छोड़ो आक्रम का भर जाता। लेकिन हम स्वयं को भूल गए थे, हम अपने को पहचानना भूल गए थे। हम महाराणा प्रताप के वंशज है, हम शिवाजी के वंशज है, हम रामकृष्ण के वंशज है, हम दुर्गा माता के उपासक है, हम काली के उपासक है, हम शक्ति का भी उपासना करते हैं और साधना भी करते हैं। ये भूल पूजा तो करता था लेकिन भूल गया था, आपस में एकता नहीं थी। और 9 व्यक्ति सोमनाथ से नष्ट भ्रष्ट किया और सभी पुजारियों को काट करके बंद कर दिया। ये सब देख करके और नागपुर यहाँ पे वो रहते थे, वहाँ दीपावली के समय में लक्ष्मी पूजा के समय में घर घर भगवान बनता था, लोग एक दूसरे को बधाई देते थे। वहाँ कुछ मुस्लिम आक्रांत का निकलता था, अपने मोहल्ला को दान करा जाता था, बाल का मिलता था, वो बार बार वो देखते रहते थे। उन्होंने सोचा नहीं इस देश का वो मूल बीमारी है, सनातन धर्म को फिर से एक करना है, उसके मत को दूर कराना है, उसके आत्मसम्मान को जगा देना है, उसके मनोबल को जगा देना है। वह एक हो जाएगा तो भारत फिर से विश्व गुरु के स्थान पर पहुंच जाएगा। क्या देश फिर दुनिया में सिंहवार होगा? क्यों होगा? वो जानते थे कि भारत में दूध की नदियां बहती थी। भारत में इस देश में बाप के सामने में बेटे की मृत्यु नहीं होती थी, किसी घर में ताले नहीं लगते थे, चोर नहीं था, डकैत नहीं था, व्यभिचारी नहीं था। कोई माता बहन यदि रात में भी 12 बजे बाजार में निकल जाती थी, रात हो जाती थी, तो सुरक्षित वो घर लौट आती थी। हमारा समाज, हमारा संस्कार, हमारा संस्कृति ऐसी थी। लेकिन क्या हुआ, विदेशी आते गए, यहाँ चढ़ाई करते गए, यहाँ गुलाम बनाते गए, हम आपस में बचते चले गए। हम कोई फलाना जात हो गए, कोई चिलाना जात हो गए, कोई ब्राह्मण हो गया, कोई महतो हो गया, कोई यादव हो गया, कोई कहार हो गया, हम आपस में बचते चले गए। विदेश में हम पर शासन कर लेगा, इसी को विभेद करके फायदा करके हमको तोड़ फोड़ करके हमारे ऊपर हमें शासन कर लेगा। उसी को डॉक्टर साहब ने रखा, इसीलिए संघ की स्थापना 1925 में किया। और राष्ट्रीय यानी हमारे संस्कार के लिए जो जरूरी है, हमारे संस्कृति के लिए जो जरूरी है, हमारी परंपरा के लिए जो जरूरी है, हमारे सनातन
धर्म को अक्षुण रखने के लिए जो जरूरी है उस चक्षु का उन्होंने प्रतिपादन किया। और इसी में छह राष्ट्रीय उत्सव संविदय किया। होली दिवाली तो सब लोग मनाता है, सब लोग मकर संक्रांति भी मनाते हैं, अभी दुर्गा पूजा हो वो भी मनाते हैं। जो भी दुर्गा पूजा कुछ चीज जिससे हमारा संस्कार फिर से उड़ेगा, ऐसे उत्सव को तैयार किया तैयार करके लागू किया अपने संगे, जिसमें से इस वर्ष का ये पहला दिन है। आज इस वर्ष का पहला उत्सव है, धीरे धीरे प्रचारित करते हुए निरंतर रूप से जा रहा है। और जो सोशल मीडिया से लेकर के पेपर में भी, प्रिंट मीडिया में भी, टीवी पर भी ये सब आने लगा है, ये संघ का देन है। संघ के संसदों का देन है कि आपको भी बैठा कर हमारे भाई साहब ने, हमारे कवि जी को कलाकार है, इनको बताया है कि इस वर्ष के बारे में बताइए कि आज भी शुरू हुआ है, थोड़ा बहुत कहिए अंग्रेजी वर्ष का कौन सा साल है, ये कोई बताइए अंग्रेजी वर्ष का इसमें साल कौन सा है, कोई बताइए विद्यार्थी लोग कौन सा साल है अंग्रेजी वर्ष का इसमें साल कौन सा है बताओ। 2023 ये 2023 साल है ना, 2023 का मार्च महीना और विक्रमी संवत जिसको सरकारी विक्रमादित्य ने आज ही के दिन प्रारंभ किया था। शक्ति बाहर से आए थे, शक्ति विदेशी था, शक्ति देश में गुलाम बना दिया था हमारे गंगा को, और विक्रमादित्य के राजा हुए वो खदेड़ करके मार करके भारत भूमि के सीमा से बाहर भेज दिया, उस शक्ति को शक्ति नामो निशान मिटा दिया। उस अवसर पर अपना एक संवत्सर, अपना एक संवत कराया, अपना वर्ष कराया, तो आज ही के दिन शुरू हुआ, जिसका समय है 2080 में लिखा हुआ है 2080 सरकारी विक्रमादित्य मध्य प्रदेश के उज्जैन के थे। इसी कलयुग के वो इसी कलयुग में पैदा हुए थे, लेकिन इसी सन से ज्यादा वर्ष 57 वर्ष दूरी ज्यादा है। 2023 में अंग्रेजी साल जो ईसा मसीह के ग्रंथ से शुरू होता है, और हमारे सरकारी विक्रमादित्य 2080 वर्ष हो रहा होगा विक्रमी संवत के हिसाब से। हम लोग जो पंडित जी के पास जाते हैं दिन टकाने के लिए, नाम दिन उच्चारने के लिए, इसी विक्रमी संवत के आधार पर पंचांग बन रहा है। ये जो विक्रमी संवत है 2080 उसी संवत के आधार पर पंचांग बन रहा है। और पंचांग में पटवा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी एकादशा द्वादशा त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या का दिन रहता है। आगे में अंग्रेजी तिथि लिखा होता है, तो आपको तारीख बता देगा पंडित जी कि इस तारीख को फलाना मुहूर्त है और फलाने समय से फलाने समय। आज कलश स्थापन हुआ है, वाई नहीं कलश स्थापन, कभी कलश स्थापन नहीं हो जाएगा, उसका मुहूर्त होता है कि आज जो कलश स्थापन का दिन है 22 मार्च है, विक्रमी संवत का प्रथम दिन है, चैत्र शुद्ध एक है, लेकिन आज मुहूर्त की समय है कलश स्थापन करने का। तो ये जो भारतीय गणना पद्धति है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया में इससे गहन, इससे प्रमाणिक, इससे वैज्ञानिक दुनिया में किसी के पास गणना की तिथि नहीं है, गणना की पद्धति नहीं है। मित्रों विक्रमी संवत में क्षण और पल का भी सूत्र होता है। इस विषय में क्या है, सूर्योदय होगा तारीख प्रारंभ हो जाएगा, कल जो दिन तारीख होगा वो हो जाएगा खत्म हो जाएगा। हिंदी शर्मी होता है, हमारे यहाँ भी एक समाज है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका अभी लॉकडाउन शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है, वह है ना होने वाला है, उसका भी हिंदी शर्म है, मोहम्मद पैगंबर के नाम से उनका हिंदी शर्म चलता
1600 होगा हमको नहीं जानकारी, लेकिन इसी आसपास में होगा। सबसे पुराने उनसे भी पुराने हमारे 2080 का विक्रम संवत है, जो विक्रमादित्य ने शुरू किया था। थोड़ा अंदाजा करिए, और युगांत में जाइएगा तो 5000 चल है, 5104 युगांत में चल रहा है। आज ही के दिन इस धरती की सृष्टि हुई थी, सूर्य का जब पहला दिन सूर्योदय हुआ था, उसको क्षेत्र शुद्ध एक करते हैं, वर्ष प्रथम बता करते हैं, आज ही के दिन शुरू हुआ था। आज समाज का नाम जानते हैं, दयानंद सरस्वती ने कृष्णमंदो विश्व आर्जम, यानी उन दुनिया को आज बनेंगे, आज मतलब श्रेष्ठ बनेंगे। अभी हमारे देश में अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत तो होगा लेकिन श्रेष्ठ भारत होगा, ऐसे ही दयानंद सरस्वती है कृष्णमंदो विश्व आर्यम, यानी विश्व को हम आज बनाएंगे, यानी श्रेष्ठ बनाएंगे। उन्होंने भी आज ही के दिन आज समाज की स्थापना की थी। सिंधी समाज में झूलेलाल वरुण के अवतार हुए थे, आज ही के दिन उन्होंने जन्म लिया था। तो आज का जो दिन है वर्ष परंपरा, हमारे लिए भूलने का वर्ष नहीं है, भूलने का समय नहीं है, याद करने का समय है। और फिर से अगले साल इसी दिन में चैत्र शुक्ल पक्ष एक को हमारा नया वर्ष फिर से प्रारंभ होगा। अभी 2080 है, 2081 प्रारंभ होगा। हम जीवन का जितना भी महत्वपूर्ण काम करते हैं, जनों का संस्कार करते हैं, मुंडन करते हैं, उपनयन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, किसी बच्चे की शादी करते हैं, विवाह करते हैं, पंडित के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं दिन तकाने के लिए, इसी विक्रमी संवत के आधार पर वो दिन उच्चार करके देता है, उसमें अंग्रेजी की चीज नहीं देता है आपको सुधार। क्योंकि आप और हम सब लोग इतने अपने बाप दादा को, अपने पूर्वज को, अपने वंश को भूल चुके हैं कि अब तक अपने को हम समझना छोड़ चुके हैं। संघ ने इसी काम को जगाने का काम शुरू किया, इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहता हूं, आज इस पूरी अवसर पर कोई भी गार्जियन बच्चे को शाखा में जाने से मत रोकिए। यदि वो नहीं जा रहा है तो आप प्रयास करके उसको भेजिए, क्योंकि आपका बच्चा श्रेष्ठ नागरिक बनेगा, अच्छा बेटा बनेगा, अच्छा भाई बनेगा, संस्कारी बनेगा, देश का अच्छा नागरिक होगा, देश श्रेष्ठ होगा। जब इस देश में सब लोग चोर हो जाएंगे तो देश श्रेष्ठ होगा, देश विश्व होगा, दुनिया में सर्वशक्तिमान देश होगा, दुनिया में विकसित राष्ट्र होगा, नहीं होगा। जब यहाँ का एक एक व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, एक एक व्यक्ति गुणवान होगा, एक एक व्यक्ति क्षमतावान होगा, एक एक व्यक्ति संस्कारवान होगा, तो समाज में विद्वेष भी समाप्त हो जाएगा, समाज में व्यभिचार भी खत्म हो जाएगा, समाज में आपस में भ्रम जो उत्पन्न होता है वो भी खत्म होगा, और श्रेष्ठ भारत होगा जो दुनिया पर भी शासन करेंगे। शासन लाठी डंडे से नहीं करेंगे, बंदूक से नहीं करेंगे, राफेल से नहीं करेंगे, हथियार से नहीं करेंगे, विचार से करेंगे, संस्कार से करेंगे। दुनिया के लोग यहाँ आकर के अपना विचार ठीक करने के लिए, अपने स्वास्थ्य का, अपने काया का, अपने दुखों का निवारण कराने के लिए हमारे भारत में आएगा। ऐसा विवेकानंद स्वामी जी ने भी कहा था। विवेकानंद स्वामी जब शिकागो से लौटे तो भारत के नवयुवकों को आह्वान करते थे, ऐ नवयुवक, भारत के नवयुवक, भारतीय नवयुवक, तुम भारतीय के संतान हो, भारत माँ के संतान हो, या भूमि जो है तुम्हारी माँ है, तुम इसके पुत्र हो, अगले 100 वर्ष तक किसी देवी देवता का पूजा मत करो, केवल भारत माँ की पूजा करो, केवल भारत में अपनी पूजा करो, उनकी मूर्ति को स्थापित करके उनका आरती करो, उनका वंदन करो, और इतना शक्ति ग्रहण करो, इतना शक्ति ग्रहण करो, दुनिया के लोग आकर के भारत माँ का चरण वंदन करेगा, भारत माँ की आरती उतारेगा, और अपने दुखों का, अपने समस्याओं का निवारण करा पाएगा। यहाँ आकर के
तब जाकर के भारत श्रेष्ठ होगा दुनिया में, विश्व गुरु के स्थान पर होगा। भारत कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। भारत अपने विचार से, अपने संस्कार से, अपने प्रतिशत से, अपने ग्रंथों के द्वारा दुनिया पर शासन किया है। उसे भारत पहले गुरु था, बीच में जो कालांतर में आकर के विदेशी आक्रमणों के कारण हम अपना संस्कार भूल गए, उसके संग मूर्तियों से जगाने का काम शुरू किया। आज से 98 वर्ष पहले और 98 वर्ष से निरंतर लगातार बिना आराम किए हजारों लाखों कार्यकर्ता घर नहीं बसाए, परिवार नहीं बसाए, बंद होकर के सबका काम अपना जीवन दान करके संघ के माध्यम से, माता के माध्यम से हिंदू समाज में जागरण का काम शुरू किया, सनातन धर्मियों को एक करने का काम शुरू किया। और जब सनातन धर्म एक हो गया तो कोई जाति नहीं रहेगी, जाति जो है साधु विवाह नहीं होगा, क्योंकि हमारा धर्म ग्रंथ कहता है हिंदवा सोदरा सर्वे, हिंदू राम कृष्ण ब्रह्म बाबा को, विभाग बाबा को, दुर्गा को, काली को, सालेश बाबा को, लोरी को मानने वाले, कालू चिन्हट को मानने वाले, रविदास को मानने वाले सब हमारे सनातनी हैं। और सनातन धर्मी कभी भी पतित नहीं हो सकता है, कभी भी नीच नहीं हो सकता है, कभी न्यून नहीं हो सकता है, न हिंदू पतित हो रहे हिंदवा सोदरा सर्वे। इस धरती को जो अपना कर्म भूमि, मोक्ष भूमि, पुण्य भूमि मानता है, वो सभी आपस में सहोदर के समान है। माता भूमि पुत्र वंश पूज्या, ये माता भूमि, ये धरती जो है, ये भूमि जो है, वो हमारी माँ है, हम उसके पुत्र हैं। तो पुत्र आपस में कैसा होना चाहिए? सहोदर होना चाहिए, एक गर्भ से पैदा लेने वाला होना चाहिए। एक गर्भ में बेटे से पैदा लेने वाला माँ भी प्यार करती है और पुत्र भी माँ के प्रति ममता रखता है, ऐसा होना चाहिए। भले वो किसी रंग का हो, किसी जाति का हो, जाति तो यहाँ पर भी पैदा हुआ है ना, भगवान ने तो पैदा किया था, और जन्म का तरीका एक ही है ना, एक ही है पूरे दुनिया में, हमारी यहाँ नहीं, बस केवल इसको विस्मृत हम कर गए हैं, भूल गए हैं, उसको सत्र को पहचानिए, अपने को पहचानिए, जहाँ राम कृष्ण के वंशज हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो हम पूछते हैं, लेकिन उनका आदर्श जो भी थोड़ा सा भी 5% भी 10% भी हमारे जीवन में आता है। कृष्ण ने कहा था ना, यदा यदा ही धर्म से ग्रामीण भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनः क्रीडनम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा था क्यों? जब तक धर्म की हानि होगी हम अपकरित होंगे और दुष्चरित्रों का आक्रांतियों का राक्षसों का वध करके धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। मित्रों, संघ भी उसी काम को कर रहा है, शाखा के माध्यम से एक ढंग का रोज काम जा करके, यही हम पाठ हम वहां पढ़ाते नहीं है, यहाँ पति को रहा वहां तो खेल के माध्यम से, सूर्य नमस्कार के माध्यम से, लाठी के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम संस्कार भवन नागरिक तैयार करते हैं शाखा में। मित्रों, आपकी पूरी अवसर पर मैं आपको आभारी हूँ कि आपको यहाँ समझ लिया, लेकिन अपने को थोड़ा सा पहचानिए, और यदि नया वर्ष का आप एक दूसरे को शुभकामना देने लगेंगे, ये जो बाजार है, बाजार आपके लिए अभी चले जाइए बाजार में, और कोई भी मिठाई का दुकान बाहर में सर्च करके पूरा नहीं होगा कि आज नया साल शुरू हुआ है, हिंदू धर्मावलंबी सनातन धर्मावलंबी आज मिठाई जाकर के घर में जाएंगे, भगवती को चढ़ाएंगे, दीवार वाला को चढ़ाएंगे, लोहे को बांटेंगे, आज मार्केट तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही ईद आ जाएगा, जब उसका अंतिम नमाज होगा और चांद दिखेगा, तो बाजार हिंदू दुकानदार भी कपड़ा से लेकर के, जेवर से लेकर के, मिठाई से लेकर के बाहर से सजाया कि यार ये जो है इस्लाम वाले लोग आज उनका पर्व है, उनको मालूम है
हमें ऐसा तैयारी करनी है ये नंबर को ये वर्ष प्रतिपदा को कि बाजार भी हमारे लिए तैयार हो, बाजार भी वर्ष प्रतिपदा के दिन अपनी दुकानों को सजाए, हम उनकी कुछ न कुछ खरीद करके लाए, कुछ उठाए भी, कुछ मजदूर भी बच्चों को खिलाए, अपने सबके संबंधियों को बांटे और जो व्हाट्सएप और मोबाइल फेसबुक पर हम चलाते हैं सोशल मीडिया चलाते हैं उसके माध्यम से भी अपने लोगों को बधाई दे गूगल मैप हो अंग्रेजी पद्धति में क्या हैप्पी न्यू ईयर हम क्या करते हैं मंगल मैप द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बोथ दोनों में अंतर क्या है वो हैप्पी न्यू ईयर खुशी मनाइए गुलाब मसाला खाइए दारू पीजिए एक जनवरी मनाइए हम चाहते हैं नव वर्ष मंगलमय हो आपके परिवार में मंगलकारी सुखकारी ऐसा दिन आवे इसलिए हम मंगलमय की शुभकामना देते हैं हम अपनी ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि आगे आने वाला वर्ष कम से कम आस पास का जो मिठाई वगैरह का अनुदान होगा कम से कम कुछ जरूर मिठाई बना के रखे तो नया वर्ष आने वाला है हमें आपको करना है कोई दूसरा के नहीं करेगा अंग्रेज नहीं करेगा गूगल नहीं करेगा कोई साम्यवादी नहीं करेगा जो दूसरे विचारधारा से ग्रसित है हम सनातनियों को करना पड़ेगा ये विवाद बाबा के जो भक्त है उनको करना पड़ेगा तब जाकर उसको दूर से या राष्ट्र खड़ा होगा और राष्ट्र खड़ा होगा तो देश श्रेष्ठ होगा देश श्रेष्ठ होगा तो आपको भी परमानंद होने का संस मिलेगा आपको भी खुशी मिलेगी आपका भी आत्मा तृप्त होगा या सनातन धर्म और इस देश पर किसी का उठे भी नजर या देश भला हो सकता है ये तो 98 साल से हम लोग निरंतर तपस्या में लगे हुए हैं एक एक व्यक्ति को जगाने का काम कर रहे हैं आपका भी सहयोग चाहिए आपका भी समर्थन चाहिए आपका भी आशीर्वाद चाहिए मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ आप एक सनातन राष्ट्रवादी के रूप में खड़े हो जाए स्वयं आपको दृष्टि मिल जाएगी आपको क्या करना इसलिए जो हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ संघ के कार्यकर्ता है कोई भी उसको रोकिए नहीं उनको जहां तक बने उसकी कहावत है यज्ञ में यदि आप आहुति नहीं डाल रहे हैं तो कुछ न कुछ डालिए जैसे रामचंद्र जी का हम लोग चर्चा करते हैं के बारे में पता है ना कि झाझा करके बालू में लेकर के जाते क्यों क्या हुआ उसे क्या बन जाता है लेकिन भावना क्या था कि राम काज में सत्य के काज में रावण ने सीता माता का हरण करके ले लिया था और सीता माता को नारी नहीं थी अब ये गीत आप लोग सुने हैं चंदन है इस देश की माटी बच्चे जा रहे थे तपोभूमि हर ग्राम है यानी यहाँ की जो कंकर पत्थर जल चेतन नदी नाला पेड़ पौधा हमारे लिए पूजनीय है यहाँ का कंकर मिट्टी जो है हमारे लिए चंदन के समान है चंदन के समान है चंदन को स्वीकार करते हैं हर माला देवी की रचना हर लड़कियां जो है हमारे सीता पार्वती लक्ष्मी पार्वती के समान है इसलिए हमारे लिए आराध्य है और रावण ने उसको हर के ले गया था हमारी प्रतिष्ठा को दूर किया था हमारे स्थित जाति को हमारी मातृत्व जाति को उसने कुलभ्रष्ट किया था परिभ्रष्ट किया था इसीलिए गिरहरी ने भी अपना योगदान दिया आप सक्षम हैं यदि तो आप जरूर शास्त्रों में आप भी हैं और यदि आप प्रत्यक्ष रूप से सक्षम नहीं है तो मानसिक रूप से जरूर सहयोग करिए जो आपके इस पुनीत अवसर पर आप सभी लोग यहाँ आए फिर से दर्शन की तरफ से राष्ट्रीय सूचना संघ अपनी तरफ से हमारे हिमाचल के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी की तरफ से मैं आप सबों को यहाँ आने के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद